बेतिया से बड़ी खबर है, जहां नौतन प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में एक बड़ा नाव हादसा हो गया। नाव में 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, सभी किसान और मजदूर थे। नाव पर ट्रैक्टर लादा था जिसमें एक खलासी था और उसी ने चाबी लगा दिया और ट्रैक्टर जम कर गया और ये बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार एक चश्मदीन दुलार यादव ने बताया कि उसने 7 लोगों को रेस्क्यू किया है। मौके पर SDRF की 2 टीम पहुंची हुई है और रेस्क्यू कर रही है। बेतिया DM कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एक महिला की मौत हुई है। बता दें कि गंडक नदी में लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और ऐसे हादसे लगातार होते जा रहे हैं। चला कि आज मॉर्निंग में जो है ये सूचना प्राप्त हुई, यहाँ पे इस गंडक नदी किनारे इस भगवानपुर पंचायत यहाँ पे नौतन ब्लॉक में एक नाव जो है किनारे पे जो नाव लगी हुई है, इस पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाया गया था, जो उस साइड जस्ट किनारे पे ही या दूसरी साइड में जो है वो शायद स्टार्ट उन्होंने किया गलती से और वो गियर में गाड़ी थी जंप जो है कर गया। इसके बाद पता चला कि उस पर लगभग 14 आदमी थे, जिसमें से कि जितने बाकी बचे आदमी हैं वो तो निकल गए हैं, बहुत लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। 2 लोग थे जिनको कि चूँकि गोपालगंज यहाँ से बिल्कुल पास है, हम लोग गोपालगंज पश्चिम चंपारण के बॉर्डर पर हैं, तो वहाँ पर तत्काल जो है उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। 4 लोग अभी मिसिंग हैं, जिसके लिए पूरी SDRF की टीम यहाँ पर है और भी जो है डीप डाइवर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल सर्च ऑपरेशन इसका चल रहा है और निश्चित ही हम लोग बहुत जल्द ही जो है इस पर और भी आगे की कार्रवाई करेंगे।